जबलपुर शहर में गौ सेवा के नाम पर छलावा हो रहा है। दरअसल नगर निगम के अधिकारी केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं। कहने को बस प्रतीत होता है कि गाय हमारी माता है, मगर प्रत्यक्ष में जब हमारी टीम ने मनमोहन नगर रामपुर छापर स्थित गौ सेवा केंद्र में जाकर देखा तो वहां पर गायों को सूखा भूसा वह भी गोबर मिक्स के लाया जा रहा था, जिससे गायों की स्थिति बड़ी ही दयनीय कमजोर दिखी। जब इस बारे में हमने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बताया कि हमारे यहाँ दाना भी रखा है, वहीं भूसे में मिलाया जाता है, मगर प्रत्यक्ष रूप में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे गोबर मिला हुआ सूखा भूसा खाने को गाय मजबूर है। जबलपुर शहर में केवल वाहवाही लूटने के लिए गौ सेवक नजर आते हैं, मगर कभी गौशालाओं में झांकने के भी वे नहीं जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रजमोहन नगर जो कांजी हाउस है नगर निगम का, वो इस हिसाब से तैयार किया गया था कि हमारी जो मुख्य जो गौ सेवा केंद्र तलवारा, वहाँ पर जब मवेशियों की संख्या अधिक हो जाती है तो एक बैकअप के रूप में हमारे पास हो कि हम जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर सकें। और हमारे जितने भी जो कांजी हाउस या गौ सेवा केंद्र है वहाँ पर नगर निगम की ओर से भूसा खिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो गौ सेवा केंद्र का पंजीयन हुआ है उसके आधार पर हमें पशु संवर्धन जो विभाग है वहाँ से दाना प्रोवाइड किया जाता है, सुदाना। तो भूसे के साथ साथ हम सुदाना भी जो मवेशी हैं उनको प्रदाय करते हैं वहाँ पर। सूखा भूसा में मिलाया जाता है वो कि सानी बना के खिलाया जाता है, सानी बनाई जाती है जी। हाँ, दोनों तरीके से खिलाया जाता है। जैसे अगर कभी हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं हो तो फिर उस केस में हम सूखा भूसा ही खिलाते हैं। मगर वहाँ पर जी देखा गया है जी, कि जो भूसा वहाँ पड़ा है वो जी खा रही है जी, तो भूसे में कंडे के उपले भी पड़े हुए हैं, पूरे में पूरे मिक्स हैं कंडे के उपले, और केवल सूखा भूसा पड़ा हुआ है वहाँ पर, कोई दाना समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपने उस एरिए को देखा होगा जहाँ पर मवेशी नहीं रहते, या फिर जो या फिर साफ़ सफाई के पहले देखा होगा, वहाँ पर जो प्रबंधन है बहुत ही प्रॉपर है। डेली बेसिस पे वहाँ पर सफाई भी होती है और जो भूसा डाला जाता है उसका बहुत प्रॉपर रख रखाव किया जाता है वहाँ कर्मचारियों द्वारा। कम से कम 50 दिन का भूसा खा रही है जी, तो वहाँ तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि वहाँ का गौ माता ना हो जी, भूसा खा रही है, सूखा भूसा खा रही है और अपने कंडे मिले हुए। नहीं नहीं, सूखा भूसा तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें सूखा भूसा खिलाना ही पड़ता है, जो क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है प्रॉपर।